सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में है डेडिट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाला है कि आप लाइटरूम के अंदर इस टाइप का टील एंड ऑरेंज टोन अपने फोटो में कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आपका फोटो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटरूम के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आपको लाइट को करेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग लाइट पर चलते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस करना है, एंड हाइलाइट्स को भी थोड़ा सा माइनस करना है, एंड शेडोज को थोड़ा सा प्लस करना है, एंड व्हाइट्स को भी थोड़ा सा माइनस, एंड देन ब्लैक्स को भी थोड़ा सा माइनस। उसके बाद कलर में चलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस करना है, एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा प्लस करना है। उसके बाद मिक्स कलर में जाते हैं। यहाँ पर जो येल्लो है ना, उसका ह्यू आपको माइनस कर देना है, एंड सेचुरेशन प्लस कर देना है। उसके बाद ब्लू में चलते हैं। यहाँ पर ब्लू का भी ह्यू माइनस एंड सेचुरेशन प्लस। बस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर टील एंड ऑरेंज टोन आ चुका है। उसके बाद चलते हैं ग्रेडिंग के अंदर। उसके बाद हाईलाइट के लिए कलर देखते हैं। यहाँ पर सेचुरेशन इंक्रीज एंड कलर, ये कलर सही लग रहा है थिंक गाइस। उसके बाद सेचुरेशन को 20 प्लस रख देना है आपको। उसके बाद शेडो में जाते हैं। शेडो के लिए कलर देखते हैं, सेचुरेशन इंक्रीज। उसके बाद ये वाला सही लग रहा है गाइस, सेचुरेशन माइनस कर दिया। इनका जो उसके बाद इफेक्ट्स पे अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, एंड फिगर को फुल कर देते हैं। उसके बाद कर्व के अंदर चलते हैं, देखते हैं इस कर्व बना के तीन पॉइंट बनाने हैं आपको, शेडो मिड टोन एंड हाईलाइट। शेडो को थोड़ा सा नीचे की ओर खींचना है, एंड देन हाईलाइट को थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा फेड करते हैं हम, इसलिए थोड़ा सा व्हाइट को ऊपर कर देना है आपको। गाइस देख सकते हो टील एंड ऑरेंज टोन। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।